अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मसना। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं शाही पनीर। शाही पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 प्याज को फ्राई करके लिया है, उसका बिरिस्ता करके लिया है। इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे और साथ में मैंने यहाँ लिया है 2 टीस्पून मगज़ के बीज, 2 टीस्पून हम डालेंगे सफ़ेद तिल, साथ में डालेंगे 3 हरी मिर्ची। इसे हम सूखा ग्राइंड पीस कर ले लेंगे पहले। उसके अंदर हम डालेंगे अभी थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा पाव ग्लास जितना पानी डाल, एक स्मूथ पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे इसे और इसे हम रख देंगे साइड में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। अब हम लेंगे एक बर्तन जिसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। इसमें डालेंगे एक तेज़ पत्ते और साथ में कुछ खड़े मसाले हैं। यहाँ मैंने डाले एक छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा, आधा चम्मच में डालेंगे ज़ीरा, उसमें डालेंगे 6 काली मिर्च और 4 लौंग डालेंगे। साथ में डालेंगे हम हरा मसाला मैंने 1 टीस्पून, जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली तीनों का पेस्ट एक साथ मिक्स करके लिया है। उसे थोड़ी देर से हम अच्छे से भून लेंगे ताकि जो मसाले का कच्चापन है उसका स्मेल निकल जाए। अब हम डालेंगे जो यहाँ पर हमने ग्राइंड पेस्ट करके रखा था प्याज का, बिरिस्ते का, उसका हम पेस्ट डाल देंगे। उसे अच्छे से मिक्स करेंगे, मसाले को अच्छे से भून लेना है अच्छे से चलाते हुए। 2 मिनट मसाला भूनने के बाद अब इसमें डालेंगे हम थोड़े से कुछ मसाले, पाउडर मसाला डालना है हमें इसके अंदर। हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, साथ में डालेंगे 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, साथ में डालेंगे हम 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून डालेंगे ज़ीरा पाउडर। अच्छे सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। साथ में हम डालेंगे इसमें नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। अच्छे से भून लीजिए मसाले को, सारे मसाले अच्छे से भून जाना चाहिए। इसमें कोई मसालों का स्मेल नहीं आना चाहिए। हरे मसाले जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़े टमाटर का प्यूरी बनाकर डालेंगे। मिक्सर में ग्राइंडर में इसे पीस लेंगे। आप चाहें तो बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। ढक्कर इसे कवर करके 2 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है, हमारा मसाला भी अच्छे से भून रहा है। कंटिन्यूस इसलिए चलाते रहेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें ताकि जो नीचे मसाला लगे नहीं। पाव ग्लास जितना पानी मैं यहाँ पर डाली हूँ, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और चलाते हुए मसाले को भूनेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। इससे ये होगा आने वाले नोटिफिकेशन मेरे जो है आप तक पहुँचेंगे। यहाँ पर फिर से हम ढक्कन ढककर 2 मिनट के लिए और पका लेंगे मसाले को। फिर हम इसमें डालेंगे, मैंने यहाँ पर फेटा हुआ दही लिया है, इसे मैंने ग्राइंड करके लिया था थोड़ा सा। आप चाहे तो इसे फेंट कर भी ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे दही को और साथ में फिर से ढक्कन इसे पकने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। अच्छे से भून जाने के बाद में हम इसमें डालेंगे अभी 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को आपको हाथ से क्रश करके अच्छे से डाल देना है। इसमें डायरेक्ट मत डालिए, क्रश करके डालिए ताकि जो उसके अंदर अच्छे से फ्लेवर आ जाए। अच्छे से मिक्स करेंगे हम इसे चलाते हुए और फिर से हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक्कन मसाले को भून लेंगे अच्छे से। मसाला जो है हमारा यहाँ पर अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे पनीर। पनीर को मैंने यहाँ थोड़े बड़े टुकड़ों में कट करके लिया है। यहाँ मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है। इसे हम मसाले के साथ में डाल देंगे। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है पनीर की। शाही पनीर खाने में बहुत लजीज लगता है। इंशाल्लाह एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। हल्के हाथों से चलाना है पनीर डालने के बाद, वरना ऐसा हो जाएगा कि पनीर टूटने लगेगा। इसलिए एकदम हल्के हाथों से पनीर को चलाते रहिए। अब इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून जितना फ्रेश क्रीम डालेंगे हम इसके अंदर और इसे मिक्स करेंगे। आप इसे तंदूरी रोटी, गेहूँ की रोटी के साथ में खा सकते हैं, कोई भी तरीके की रोटी के साथ में आप खा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। और अगर आपको रेसिपी पसंद है प्लीज़ अच्छा सा कमेंट करिए, मुझे फीडबैक देना ना भूलिए। इसको अभी हम ढक्कर फिर से और दो से तीन मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर तेल जो है सेपरेट हो गया है, हमारी शाही पनीर बनके एकदम रेडी हो गया है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, खाने में भी बहुत लजीज लगता है। इंशाल्लाह एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करिएगा। इंशाल्लाह मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ में। अब अभी ये चिप रेडी हो जाएगा तो आप इसमें फ्रेश कोरिएंडर लीफ से गार्निश करिए और इसे गर्मा गर्म सर्व करिए। इंशाल्लाह मैं फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, दुआ और मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।
you.